ऑफिशियल सीक्रेट की अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अदालत तलब कर लिया। इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसना जुल्कुरनैन ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत की। जिस सिलसिले में शाह महमूद के वकील अली बुखारी और खालिद यूसुफ अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से साइफर केस में जेल ट्रायल का लदम करार दिए जाने के बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ये केस की पहली समाअत थी। समाअत के आगाज पर अदालत ने पूछा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी किधर है। उस पर अदालती अमले ने साइफर केस से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी जज को दी। दौरान समाअत जज अबुल हसना जुल्कुरनैन ने वकील अली बुखारी से मुकालमा किया कि बुखारी साहिब आपके लिए तो बड़ी कामयाबी हुई है। इस पर अली बुखारी ने कहा कि हम तो पहले दिन से यही कह रहे थे। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत पेश करने का हुक्म दिया।